कागज के दो पंख देखे उड़ा चल जाए वो जहाँ नहीं जाना चाहे वही चला आए हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा थर्ड डे है मनाली में और आज हम जा रहे हैं सेथन मनाली, जो कि मेन मनाली मॉल रोड से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और लेफ्ट बैंक रोड मनाली से होते हुए यहां पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। सेथन एक छोटा सा गांव है। ये गांव इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है। इग्लू के नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वही जगह है मनाली की जहाँ पर विंटर्स में इग्लू बनाए जाते हैं और फिर वहाँ पर टूरिस्ट स्टे करते हैं। वाकई में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा इग्लू में नाइट स्टे करने का। जा रहे हैं सेथन, जो मनाली से 10 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन उसको पहुंचने में लगभग पौना घंटा लगता है क्योंकि पूरा रोड ऐसे बिल्कुल ऐसे है, तो एक्सपर्ट ड्राइवर ही यहां पर गाड़ी ड्राइव कर सकता है। और जब एंट्री होती है, इनकी टिकट है 200 रुपए की, इनकी टिकट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और ये है कि 10 साल से ज्यादा की जो गाड़ी है वो यहाँ अलाउ नहीं करते हैं। जैसे रोहतांग में परमिट लेना पड़ता है ना, ऐसे ही यहाँ के लिए परमिट लेना पड़ता है। लिमिटेड गाड़ियों को ये जाने देते हैं और यहाँ से व्यूज इतने सुंदर दिख रहे थे, मेरे को लगा कि एक बार यहाँ रोककर मैं आपको व्यूज दिखाती हूँ। अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट करा है। ये आप सामने देख ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इस एरिया में। यहाँ पर देवदार के पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं। और हाँ, आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर सेथन तक रोड पर 35 हेयर पिन बैंड्स हैं। और ये देखिए सामने क्या नज़ारे हैं, स्नो कवर्ड पीक्स और चारों तरफ ये हरियाली, और मनाली से कुछ ही दूरी पर, क्या बात है, मज़े आ गए हैं। A few moments later. अभी हम सेथन से 4.5 किलोमीटर पहले हैं। 17 से 20 मिनट लगने वाली है। बारिश बहुत तेज हो गई है और यहाँ पानी की आवाज आ रही थी तो मुझे लगा एक बार रुक कर देखना चाहिए। एक झरना यहाँ से बह रहा है, बहुत सुंदर। और ग्रीनरी देखिए, जो नीचे 200 रुपए दिए ना, मेरे को लगता है पूरे वसूल हो गए हैं। मेरे को तो मजा आ रहा है। और व्यू देखिए आप, मनाली में मेरे को लगता है इतनी ग्रीनरी मुझे यही दिखाई दी है। और ये कलर्स, और बारिश काफी तेज हो गई है, सामने लाइटिंग भी हो रही है और हम मजा ले रहे हैं पूरा नेचर का। ये वाटरफॉल, हाँ ये सामने वाटरफॉल है, ये देखिए वाओ। किसी की आवाज ने मुझे यहाँ रोक लिया कि कुछ तो है, मैं नीचे उतरी तो देखा वाओ क्या बात है। सामने बारिश हो रही है, बारिश तो तेज हो गई है बहुत और हम भीग रहे हैं काफी। नेचर ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं नेचर के साथ, मतलब बारिश हो रही है और सामने ग्रीनरी और मजा आ गया है। लेकिन रोड काफी ऑफ बीट टाइप ही है, ट्रेन ही चला सकते हैं। और बादल बहुत गरज रहे हैं, बिल्कुल ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। और सामने ये स्नो कवर्ड पीक्स, क्या बात है। चलो फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए फिर,
कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं ना बारिश में? अभी जो आपने पीछे डोम्स देखे हैं, सेथन के डोम्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे आप रील देखते होंगे कि जो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं कि सेथन में डोम्स हैं, जिनके मिरर लगा हुआ है, उससे व्यू दिखता है। जो मैंने अभी आपको व्यू दिखाया ना, वही व्यू उनके मिरर से दिखाई देता है। और इस टाइम आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, मतलब इस टाइम ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नेचर अच्छा लग रहा है। और इससे पहले कि मेरी कुल्फी जमे, चलते हैं आगे। ये देखिए सामने एप्पल ऑर्चर्ड है और इनके ऊपर इस टाइम फूल आए हुए हैं। अगर बारिश बंद होती तो बिल्कुल पास जाकर मैं आपको दिखाती, फूल इतने सुंदर हैं इनके। इस टाइम मैंने पहली बार यहाँ पर आके एप्पल के फूल देखे हैं, बहुत ही सुंदर कलर है इनका। और बारिश देख ही रहे हैं आप कितनी तेज हो गई है, तो आज तो ड्राइव करने का मजा भी बहुत आ गया। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हो तब, क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है, अच्छे अच्छे के हाथ पैर फूल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन नेचर ये देखिए, ग्रीन कलर, एप्पल ऑर्चर्ड, क्या मजे आ रहे हैं। मतलब ग्रीन कलर भी निखर के आता है जब बारिश होती है, लेकिन बारिश में थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है कि आप बाहर घूम नहीं सकते, पर ये है, मजा आ रहा है, एडवेंचर, क्या बात। हाँ, ये कह सकते हैं एडवेंचर इन होंडा सिटी। नॉर्मल 4x4 या और कोई गाड़ी हो, इजीली आप जा सकते हो, लेकिन होंडा सिटी में एडवेंचर आप यही कर सकते हो। मजे आ रहे हैं। A few moments later. और ये देखिए रास्ते में ड्रीम हमटा कैफे आ गया है। हम सोच रहे हैं कुछ थोड़ा सा खाया जाए और व्यूज एंजॉय करते हैं, कि बारिश भी काफी तेज हो रही है, तो चलिए फिर ऊपर बैठेंगे, वहां पर ऊपर से व्यूज काफी अच्छे दिखाई देंगे। बारिश क्योंकि और तेज होती जा रही है बहुत ज्यादा। चलिए फिर कैफे में एंजॉय करते हैं थोड़ी देर व्यूज के साथ। ये देखिए सामने गुच्छी जंगली मशरूम है, बहुत ही मतलब इसके आप अच्छी रहती है हेल्थ के लिए। पहाड़ों में वैसे ही अपने आप होती है, इन्होंने तो लाकर यहाँ पर लगाया हुआ है, और सब्जी बनती है इसकी बहुत ही टेस्टी, मैंने खाई भी है। तो ये है गुच्छी। हिमाचली डिश सीडू, ये है हिमाचली डिश सीडू। देखिए कितना बड़ा है अंदर की स्टफिंग। मैं अभी भैया से पूछूंगी, मुझे आइडिया नहीं है, अगर डॉक्टर राजन खाकर बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या स्टफिंग है। हाँ पता नहीं यहाँ की स्टफिंग क्या होगी। हरी चटनी दे रखी है, लाल चटनी दे रखी है, गाय का देसी घी अचार है, और गर्मा गर्म चाय। और किसके साथ, सबसे मेन चीज किसके साथ, इस व्यू के साथ जो आप बाहर, और बाहर बारिश हो रही है, वाह मजे आ गए। अभी कैफे में फूड एंजॉय कर रहा था और मैं आ गई हूँ एप्पल ऑर्चर्ड में। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये इनके कैंप्स हैं,
और कैंप्स बहुत ही रीजनेबल रेट पर हैं, तो यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पर इन्होंने कैफे के ऊपर एक रूम भी बना रखा है, तो चलिए मैं आपको वो प्रॉपर्टी भी दिखाती हूँ। अच्छा, बड़ा प्यारा सा रूम है। तो ये यहाँ का ऊपर रूम है, सर्दियों में सामने स्नो गिरती है तो यहाँ बुखारी लगा देते हैं ये, और बिल्कुल गर्म हो जाता है। आप इस टाइम आते हैं क्योंकि इस टाइम पीक पीरियड नहीं है, तो 1200 में मिल जाएगा आपको, और अगर आप पीक में आते हैं तो 1500 मिल जाएगा। और वॉशरूम वही जो नीचे है, वॉशरूम अटैच मिलेगा आपको। अच्छा, अटैच कहाँ पर है? ओके, इसके साथ अटैच है वॉशरूम आपका। तो ये आपका अटैच वॉशरूम, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और यहाँ से व्यूज तो आप देख ही सकते हैं, और आप यहाँ बाहर बैठ के भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, चलिए मैं बाहर का भी एक बार व्यू दिखा देती हूँ आपको बाहर निकलते ही। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश कई घंटे से लगातार हो रही है, और आगे हम नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ से सेथन है 3 किलोमीटर, क्योंकि एक तो स्लिपरी हो गया है बारिश की वजह से, और हमारी होंडा सिटी गाड़ी है और वहाँ पर चढ़ाई बिल्कुल ऐसे है, तो कहीं स्लिप ना हो जाए, तो आगे तो नहीं जा रहे। लेकिन हम यहाँ पर ड्रीम हमटा कैफे में रुके हैं, 2-3 घंटे हम यहीं रुके हैं, यहाँ आकर हमारा दिन बन गया है। इतना अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर था, इतना अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। यहाँ आपके हट्स भी हैं, अगर आप आते हो यहाँ पे पीक टाइम में आपको मिल जाएंगे 1500 रुपये में, और ऑफ में मिल जाएंगे 1200 में। इनका ऊपर एक रूम भी है, अटैच बाथरूम है, और इनके बाथरूम नीट एंड क्लीन। अगर आपके मतलब टेंट्स के साथ आप कॉमन बाथरूम रहते हैं, तो मतलब एक अच्छे रिजॉर्ट के बाथरूम भी इतने क्लीन नहीं होंगे जितने इनके थे। और यहाँ हमने चाय पी, अल्टीमेट चाय पी, हमने 4 चाय यहाँ पी ली बैठे बैठे। सिडो खाए, वो भी काफ़ी टेस्टी थे। यहाँ के राजमा चावल भी काफ़ी फेमस हैं, आप कभी खाओ। यहाँ का पिज़्ज़ा स्पेशली ये फ्रेश आटे से बनाते हैं, तो मतलब यहाँ आओ, यहाँ रुकिए, मैं रिकमेंड करती हूँ, यहाँ बैठ कर इंजॉय कीजिए। और अब हम चलते हैं वापस, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और रुकने के चांस नहीं है, और नेचर इतना अच्छा लग रहा है, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, बट स्टिल जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना स्टीप है यहाँ से, इसलिए हम ऊपर नहीं गए कि ऊपर जाके वहाँ गाड़ी फंस ना जाती, तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए। ये देखिए, आते समय हमें इतना नहीं पता लग रहा था, बट अब हम उतर रहे हैं तो पता लग रहा है ये, और पास मैं आपको दिखाती हूँ करके। तो ऐसे ही सारा आगे रास्ता था, तो हम नहीं गए, डिसीजन हमारा सही रहा। देखिए अभी वो एक गाड़ी आएगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना ऐसे बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है यहाँ। मतलब ज़्यादातर ये जीप जा रही है, यही कामयाब है, हमारी होंडा सिटी यहाँ तक आ गई है, सोचिए आप, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमने आगे और ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, थोड़ा ही रिस्क में हम खुश हैं। वो देखिए, वो भी बहुत स्लो से उतार रहे हैं, अभी आएगी, तो वही है, सोचिए जब उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी तो होंडा सिटी है। ये देखिए बहुत ही स्लो, बड़ी देरी से मतलब आ रहे हैं, बड़ा सारा कीचड़ एंड ऑफ रोड। चलिए फिर चलते हैं, ये हमारी होंडा सिटी हमें कहाँ कहाँ घुमा रही है, वाह। चलिए, रेन तो थोड़ी सी कम हो गई है, बट व्यूज़ अभी दिल नहीं भर रहा है मेरा ना इनको, क्या बात है। चलिए अब तेज हो गई है बारिश, में गीली हो रही हूँ, बाय बाय। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह पर, तब तक बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकॉन बटन दबाइए, क्योंकि मैं ऐसी सुंदर सुंदर जगह आपको दिखाती रहूँगी। बाय बाय।